Welcome viewers, this is your host Zunira Malik and welcome to my show jiska naam hai Gup Shup With Zuni. Viewers, today I'm going to talk about women mental health. It's very important for me to support women and empower women and make the right decision for them. That too in a very non-judgmental atmosphere. Mental illness is one of the leading cause of women deaths during pregnancy. This can happen even if you have never had experienced mental health problems before pregnancy. This can lead to pregnancy complications such as preeclampsia, baby's growth restriction, and premature labor. I say to ladies out there always that it's okay to tell and it's okay to ask and seek help. Remember, you are not alone in this. It's not your fault. It's the mental condition for which full recovery is possible. I have with me today Dr.SyedaAli, having an experience of 15 years in the field of psychiatry. So viewers, let's welcome perinatal psychiatrist Dr.Syeda Ali. Assalamu alaikum, Dr. Syeda. Wa alaikum salam. Sabse pehle to I thank you so much for coming on this show because there are many, many out there jo ladies aapko sunna chahti hain. And before you were coming at my show, maine un logo se ye bol diya tha that I'm going to have you soon and let me know what are the concerns and questions they have to ask you. So we'll start with the first question. What is perinatal psychiatry? पेरिनेटल साइकाइट्री जो है ये साइकाइट्री की एक स्पेशलिस्ट ब्रांच है जिसमें हम एक पेरिनेटल पीरियड जो इंटरनेशनली डिफाइंड है उसके अंदर जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको ट्रीट करते हैं. उसके लिए इस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम सबको अंडरस्टैंडिंग हो कि पेरिनेटल पीरियड क्या है. तो पेरिनेटल पीरियड स्टार्ट होता है कंसीव करने से पहले, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे जो औरतें हैं, आई मीन अगर उनके पास सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और वो ख़ास किस्म की मेडिकेशंस ले रही हैं. पर्टिकुलरली आई विल मेंशन मेडिकेशंस में एपिलेप्सी की मेडिकेशंस और चूँकि उसका इम्पैक्ट जो शुरू के जो पहले 3 महीने होते हैं उसके अंदर बच्चे की ग्रोथ पे हो सकता है एंड देयर कैन बी सम डिफेक्ट्स कैन हैपन. सो डॉक्टर सईदा, आई हैव गॉट मेनी क्वेश्चंस. मेरी बहुत सी फीमेल फॉलोअर्स ने बहुत से क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट विद यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मैं जानना चाहूंगी कि हाउ डज अ वुमन नो दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस फेज. पेरिनेटल डिप्रेशन है उसको, एंजाइटी है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस? ओके, जो पेरिनेटल पीरियड में अगर हम एंटीनेटल पीरियड लें यानी कि डिलीवरी से पहले वाला वक्त, जो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन जो है वो सेम होते हैं जो कि एनी टाइम इन द लाइफ अगर आप डिप्रेस हों आपको वो सिम्टम हो सकते हैं. बेसिक चीज़ें जो कि पहले वो खुशी महसूस होती थी वो नहीं होती. When you're not feeling yourself, basically. Yes, exactly. I mean, जैसे सिंपल सी बात है, like अगर बेबी है एक खुशी का साइन है, सेलिब्रेशन का साइन है, लेकिन उनको खुशी महसूस नहीं होती. कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे एक्साइटमेंट हो और कंटिन्यू उदासी जो है वो छाई रहे. तो ये तो लाइक दिस इज अ पॉइंट दैट आई वांट टू रेज कि इन साउथ एशियन सोसाइटी बेसिकली वो क्या होता है कि हमारी लेडीज तो दी लेडीज आर टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये कैसे, लाइक हाउ व्हाट काइंड ऑफ मदर इज शी, वो क्वेश्चन आ जाता है ना एक सोसाइटी का कि ये कैसे, ये इसका बच्चा हुआ है, शी इज नॉट इवन हैप्पी. तो ये हम इसका मतलब है हमारी लेडीज को तो बहुत अवेयरनेस की जरूरत है. बिल्कुल बिल्कुल. आई मीन आपके इस जो ये सवाल है इससे मुझे टेकन बैक लाइक 15 ईयर्स बैक जब मैंने अपनी साइकाइट्री ट्रेनिंग शुरू की थी. और एक्चुअली आई वाजंट अवेयर माय सेल्फ मच अबाउट इट. तो मुझे याद, आई एम श्योर मेनी वुमेन स्टिल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो मुझे याद है कि मुझे किसी ने कहा कि इस किसी का बेबी हुआ है और वो कैसी माँ है कि वो ना बेबी को पकड़ती है, ना वो बेबी की लुक आफ्टर करती है, ना उसकी हस्बैंड के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी गुस्सा करती है, इरिटेबल होती है, बिल्कुल बदल गई है, ऐसी वो नहीं थी. और वो बिकम एक तरह से जैसे टॉक ऑफ टाउन बन गया. ओके, कि यू नो कितनी, जैसे आपने कहा कितनी बुरी औरत, अचानक वो हो गई. हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती. बिल्कुल. एंड जब व्हेन आई जस्ट स्टार्ट लर्निंग एंड व्हेन आई स्टार्ट नोइंग अबाउट दिस पोस्ट यू नो डिप्रेशन एंड ऑल दैट, एंड यू नो आई कांट, मैं उस चीज़ को भुला नहीं पाती, हमेशा मेरे जहन में वो लड़की आती है. सो यू डिडंट टेक इट द सेम वे जैसा आपने सुना, आपने
डिफरेंट तरीके से सोचा था। उस वक्त तो मुझे टू बी ऑनेस्ट खुद भी नहीं पता था कि क्या हुआ है, क्योंकि आई वॉज नॉट इन द फील्ड। ओके, दिस इज आफ्टर लाइक पर्टिकुलरली वर्किंग इन साइकाइट्री एंड नोइंग मोर, तो मुझे ये अब जो है यू नो आई कैन रिमेंबर व्हाट एक्चुअली शी वॉज गोइंग थ्रू एंड शी एक्चुअली नीडेड हेल्प and it was depression what and it was depression what she was suffering with. Usko depression thi, actually severe depression thi. I mean warna aap mujhe bataye kaun si maa hai jo baby hone pe khush na ho, bilkul, ya uska dil na chahe ki wo baby ko uthaye aur fazool mein jo hai you know baghair kisi wajah ke rona shuru kar de. Acha, is it necessary ki first time mothers ke sath hi zyada tar aisi situation hoti ki nahi? It can happen to you like any time if it's your second child or third child. I mean, research jo hai, agar aap dekhen literature research dekhen to there is no as such differentiation. Okay, some research says kehti hai ki agar bahut choti umar ki maa hai to wo zyada vulnerable hai. Pehle dafa baby is more vulnerability. Yes. और तीसरी जो चीज़ है, अगर दे हैव, अगर पहले उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, सो दे आर मोर वल्नरेबल कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान जो है पेरिनेटल फेस में मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. ओके ओके, मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक वुमेन मेंटल हेल्थ इश्यूज, मैं इसके बारे में ज़रा आपसे पहले बात करना चाहूँगी कि आई एम श्योर एवरी अदर पर्सन वेदर इट्स मैन नो वुमेन, हर कोई अपने फेजेस के थ्रू जाता है. कभी आपका मूड अच्छा है, कभी नहीं अच्छा, विच इज़ वेरी नॉर्मल. Why, when do we know actually that it is a mental health issue that we are going through or suffering from? Dekhe, I mean, some days are good days, some days are bad days. Exactly. But we get out of there. But if those bad days become continuous bad days, and for agar hum depression ka diagnosis ke criteria ke liye dekhen, to jo bad days with certain feelings and symptoms, they have to last at least minimum for 2 weeks. यानी कि मतलब ये कि आप कंटिन्यूसली यू फीलिंग लो, यू फीलिंग टायर्ड, आप थकावट आपको महसूस हो रही है जबकि कोई रीज़न नहीं है, आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, घर की रूटीन अपसेट हो गई है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ गया है, फॉर नो रीज़न आप अपने आप को यू नो ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी वजह से ये है, बच्चे भी खराब है मेरी वजह से, हस्बैंड को गुस्सा चढ़ा है वो भी मेरी वजह से, जो भी है वो तो फिर लेडी तो टारगेट हो जाता है ना, वो आप ब्लेम अपने आप को कर रहे हैं, आपको कोई उम्मीद ही करे नजर नहीं आ रही कि और किससे डिस्कस किया जाए, किससे डिस्कस एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा जो एटमोसफेयर वो इतना जजमेंटल है कि आई बिलीव कि लेडीज दे हेजिटेट टू डिस्कस दीज सर्टेन काइंड ऑफ इश्यूज. You're right. और जब हम prevalence बात करते हैं कि कितनी common है ये disorders, तो you'll be surprised कि internationally जो developed countries में तो 10% कहते हैं कि postnatal depression और जो perinatal mental health issues हैं तकरीबन 10% हैं, but this percentage hugely varies. I mean from 0 to 60% from different countries, and generally in the underdeveloped it's like around 17 to 18%, which is really high. You're talking about like तकरीबन आप ये बात कर रहे थे कि 10 औरतों में से एक औरत जो है वो इसका उसका शिकार है. तो प्रॉब्लम इज ह्यूज. एंड दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं एम्फसाइज करूँगी, जिस पर जोर दूंगी, कि हर चीज़ के सिम्टम्स जो होते हैं उसकी सिवेरिटी डिफरेंट होती है. डिप्रेशन माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, और सिवियर भी हो सकती है. सवियर वाले जो हैं वो तो पिक हो जाएंगे बिकॉज दे आर सो डिसेबल. लेकिन इन माई एक्सपीरियंस जो माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन की जो केसेस हैं, दे सफर फॉर ईयर्स इन साइलेंस, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में. दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड दे आर व्हाट आई कॉल लाइक दे आर ऑन ऑटो पायलट मोड, कि उन्होंने घर का काम किया, बच्चों के किया, स्कूल रन, दिस एंड दैट, but there is no life for them. True. They're not enjoying life, they don't want to get ready, they're not interested in doing anything. And nobody asks this question why, or hum automatically is baat ko samajh lete hain bhai ab shaadi hogi hai, bacche ho gaye hain, this is how things should be. Kyunki hamare yahan ye education hi nahi di jati ladies ko, bachiyon ko. I believe mothers should take part in this ke wo when we are raising our children, especially girls, hame har tarah ki knowledge deni chahiye ke bilkul. And I think मदर शुड बी फ्रेंडली इनफ कि बेटी अपनी माँ से ये चीज़ें शेयर कर सके. बिल्कुल. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू मम्मी, दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम्स आर नाउडेज.
क्योंकि आई एम श्योर सम इन सम केसेस हस्बैंड्स डजंट अंडरस्टैंड दिस एंड एज यू सेड कि इसमें हस्बैंड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड मे बी दे आर आल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज एज वेल. बिल्कुल आपने सही कहा. आई मीन हस्बैंड्स का रोल बहुत प्राइमरी बहुत अहम रोल है इसके अंदर. क्योंकि एक तो आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि अगर और जो वुमेन्स है अगर ख़ुद वो अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही और या वो ख़ुद हेल्प सीक नहीं कर रही तो हर हस्बैंड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द हेल्प फॉर देम. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट हस्बैंड्स दे नीड टू नो एग्जैक्टली वट वुमेन इज़ गोइंग थ्रू. लाइक मेरे पास जो क्लिनिक में अक्सर औकात जो हमारे जो पेशेंट्स यू नो आते हैं उनके हस्बैंड साथ जो अटेंड करते हैं, आई मीन इट्स वेरी नाइस जेस्चर के वो क्लिनिक में अपनी वाइफ्स के साथ एकम्पनी करते हैं, बट टू माई सरप्राइज इट्स एन आई ओपनर फॉर देम. एग्जैक्टली. एंड समटाइम्स आई हैव वुमेन हु बीन सफरिंग फॉर 10-12 ईयर्स. लाइक उनकी पोस्ट नेटल डिप्रेशन स्टार्टेड विद देयर फर्स्ट चाइल्ड और आफ्टर आफ्टर दैट कंटिन्यूड नहीं ख़त्म हुई क्योंकि कोई ट्रीटमेंट उनका नहीं हुआ, कोई हेल्प नहीं हुई एंड इट्स जस्ट गॉन अप एंड डाउन एंड दैट्स बीन एन आई ओपनर फॉर द हस्बैंड. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट मेनी ऑफ द फॉलोअर्स आस्क्ड यू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू लेडीज नो दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम इट. लाइक कोई ऐसे सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं या कैसे ये पता चलेगा, इवन इफ इट्स अ नॉर्मल डिप्रेशन हाउ डू अ पर्सन नो. सो आई थिंक इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को सिम्टम्स पता हो, इस चीज़ की अवेयरनेस हो. नॉर्मल सिम्टम्स क्या हैं कि उदासी का छाए रहना, बगैर किसी वजह के रोना आ जाना, यू नो जस्ट कोई आप बैठे हुए हैं यू जस्ट गेटिंग टीयर्स कमिंग थ्रू, किसी चीज़ में दिल ना लगना, कोई चीज़ आप इंजॉय ना कर पाएँ, कंसंट्रेशन जो है उसकी ना होने की वजह से आपको आपको लगे कि आपकी मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आप और ज़्यादा फॉरगेटफुल हों, अपने ऊपर ब्लेम करना, कोई उम्मीद ना होना और अपने आप को कमतर समझना, यानी सेल्फ एस्टीम और यू नो दोस्त और अपना कॉन्फिडेंस खो देना, तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं अगर आप को महसूस होता है कि दिस इज़ नॉट यू एंड दिस इज़ नॉट द वे आप यूजली फील करते हैं, तो आपको उस चीज़ में जो है एडवाइस लेनी चाहिए. स्पेशली अगर ये सिम्टम्स जो हैं वो दो हफ्ते से ज़ायद हैं. इन कतर देयर इज अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ आर देयर फॉर पीपल टू कॉन्टैक्ट. और अगर द बेस्ट थिंग इज़ अगर आपको नहीं मालूम, आई थिंक लोगों को अपने GP के पास यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ज़रूर जाना चाहिए. तो वो आपको साइन पोस्ट कर सकते हैं टू द राइट प्लेस. ओके, इज़ इट पॉसिबल कि विटामिन डी डिफिशेंसीज और एनीमिक भी हों तो यही सिम्टम्स आए या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल इलनेसेस व्हिच जिनकी जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ. ओके, एनीमिया हो उसमें आपको टायर्डनेस होगी, यू कैन सफर विद लो मूड डिप्रेशन. विटामिन डी में सेम थिंग. थायराइड प्रॉब्लम्स, अगर आपको थायराइड की कमी है हार्मोन की उसमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं. अगर थायराइड ज़्यादा है फंक्शन कर रहा है उसमें साइकोसिस तक हो सकती है. सेम इज़ विद डायबिटीज़ एंड लॉट्स ऑफ फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ के साथ कोमॉर्बिडिटी ऑफ डिप्रेशन इज़ वेरी हाई एंड अदर मेंटल इलनेस लाइक इवन साइकोसिस. So doctor, I'll start with few of the questions that my followers have asked. मुझसे कुछ ladies ने उनका नाम mention करने को तो नहीं कहा, but the issues are really severe. Yes, sure. So I'll go with the first one. I feel no bonding with my baby. In fact, sometimes I feel bad about having her. तो वो ये कैसी feeling है? Is it a depression she's asking, or is it because of the responsibilities are a lot on me? तो ये इसने question किया, like किस phase में? I think it's very good that she has put that question. बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो है आई थिंक लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जब मदर्स डिप्रेशन का शिकार होती हैं, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट. इसलिए नहीं कि सिर्फ दे आर ओनली अफेक्टेड, इसलिए भी कि जो बच्चे हैं वो भी अफेक्ट होते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट इश्यू के जो पोस्ट नेटल फेज में जब औरतें डिप्रेशन का शिकार होती हैं, चूँकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनको खुशी नहीं महसूस होती, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होती, तो उसका इम्पैक्ट मेजर होता है बच्चे के साथ बॉन्डिंग में.
एंड इसी वजह से व्हेन वी टॉक्ड अबाउट के इन्फेंट मेंटल हेल्थ जो कि पेरीनेटल पीरियड में आती है, बाज लोग क्वेश्चन करते हैं कि इन्फेंट्स को क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. तो इन्फेंट का मेंटल हेल्थ यही इश्यूज हैं कि अटैचमेंट इश्यूज, अगर माँ जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और डिस्टर्ब है तो बेबी का बॉन्ड भी नहीं बनेगा माँ के साथ. तो क्या होता है, बच्चे भी जो होते हैं वो रिग्रेसिव हो जाते हैं एंड दे डोंट रिस्पॉन्ड ईदर एंड दे गेट देयर ओन कॉम्प्लिकेशंस. सो इट्स डेफिनेटली, इफ दैट्स द केस, आई थिंक शी शुड सीक सम हेल्प, शी शुड बी असेस फॉर एनी डिप्रेशन. और जैसे हमारी जैसे पेरिनेटल सर्विसेज में we also see the infants, we also do mother and infant attachment work. अच्छा. कि कैसे उस बॉन्ड को बिल्ड किया जाए. सो शी शुड, आई थिंक शुड नॉट डिले, और आई थिंक शी शुड गो एंड गेट द हेल्प. नाउ माय अदर क्वेश्चन इज लाइक, वन ऑफ माय फ्रेंड, शी हैज पीसीओएस एंड वांट्स टू कंसीव, व्हाट रोल डज हर मेंटल स्टेट प्लेज इन दिस केस? Okay, PCO yani polycystic ovary syndrome does not iska direct aisa nahi hai ki isko mental illness hai to isliye PCO ho gaya, ya PCO hai to uske sath mental illness hai. It's not as such direct or definite 100% link with that. Lekin women jinko polycystic ovary syndromes hota hai, they are high risk of developing the depression. Again, because of loss of hormonal changes. So if she's struggling, she should definitely seek the advice. But is it like possible for them to conceive and have babies healthy? Yes, of course. I mean, dekhe, I mean, polycystic ovary syndrome jo hai, again, depend what the severity is. Yes, okay. So they are obviously, by all means, they can conceive, but there is some difficulty there as well. It depends on the extent of the problem. She should seek specialist help. There's lots of treatments available for these women to get pregnant if they're struggling to get pregnant. And if there are any mental health issues, they can be addressed at the same time. Okay, there's another one. She is saying that I'm in my final trimester and I have a lot of negative dreams about ki jaise bachcha mara hua paida hoga, ya I don't know, mere bachche ko kuch ho na jaye, ya how am I going to deliver, will everything be all right, sab sahi rahega. So these kind of imagination and thoughts she's going through. So what I will call that, she's very anxious. She's very worried. Yes. About what's going to happen. What's going to happen next year. And did aapne mention ke pehla baby hai iska? She didn't mention ke first hai. Okay, no. She's just saying that I'm in my final trimester. Okay, doesn't matter. So jaisa ki maine pehle bhi mention kiya ke jo depression आपको पेरिनेटल फेज में होती है, ये अक्सर एकम्पनी करती है एंजाइटी सिम्टम्स के साथ. लाइक वुमेन्स आर लाइक रियली वरीड कि पता नहीं प्रेगनेंसी में क्या होगा, डिलीवरी कैसी होगी, बेबी क्या होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन होगी. बट यू नो डॉक्टर, इफ आई रिमेंबर, मुझे भी लाइक लास्ट ट्राइमेस्टर यू डू गेट नेगेटिव ड्रीम्स, बिकॉज दैट्स व्हाट ये नेचुरली होता है. आई मीन देखिए, ड्रीम्स क्यों आती हैं, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ड्रीम्स, बट द थिंग्स विच वी वरी अबाउट ड्यूरिंग द डे विच ऑक्यूपाई आर माइंड, दे प्ले अप ड्यूरिंग द ड्रीम्स एज वेल. सो वही थीम्स जो आप दिन में आप परेशान हो रहे हैं या सोच रहे हैं, आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में चल रही हैं थीम्स, वही फिर हॉन्ट करती हैं ड्रीम्स के अंदर. ओके, सो आई थिंक, आई मीन, शी इज ऑब्वियसली वरीड एंड शी इज कंसर्न. आई डोंट नो मोर डिटेल्स, बट आई थिंक शी शुड seek help if she something should. Is worrying about, to make sure ke jab wo deliver kare postnatal period mein to she don't suffer with any significant breakdown. Okay, another couple of questions been asked by Maria Qureshi. Aur ye puchna cha rahi hai ke can this happen even after a couple of months of delivery, and how can husband also suffer the same way as the wife is going through? Yeah, I think that takes back the perinatal period. So definitely, not 2-3 months. It can happen up till 12 months. And this is actually internationally defined postnatal period up till 12 months. Okay. So, but not after 12 months. You can. You have to be sensitive. If it has a link with, it can. Depression can happen after 12 months. It can happen any time in the life. So if, but for definition postnatal, at the moment the definition is up till 12 months. Okay. Another question, Dr. Syeda. Ye lady pooch rahi hai ki like
even like she's pregnant and she's just asking ki iski friend the one of her friend her baby got died because she was throughout under some relationship issues with the family and all you know how it is at in some cases to wo itne severe hue ki she lost the baby so how can women you know take good precautions on this matlab ek aurat ke liye kitna zaruri hai during pregnancy apne mental state ko stable rakhna stress has a huge concern I mean has a huge effect on the baby and they it does impact the fetus okay I won't say exactly what's went wrong and what was the reason for her to lose a baby but the loss of baby itself is a big thing and which definitely can contribute to the mental health issues and for that she can get some help and look into that and I think it is very important I mean because it's like a loss it's a loss yeah and it's something really big and if we talk about what causes the depression or perinatal mental health disorders what are the etiological factors kya wajah hai to usme koi ek cheez nahi hai it's a number of factors to get milke jo hote hain jo agar bazukat koi ek kafi zyada ho ya wo milke sare itne zyada ho jaye ki it makes a huge problem for the person and I think it's very important to go through them and if you go through them the teen jo main aate hain usme aapka sabse bada hai life events mein obviously bereavements you know you lost someone loved close one to you life events mein like loss of job something big wo bhi aa sakta hai anything which is significant life event can contribute towards it second jo sabse badi cheez aati hai wo social support अब जब हम सोशल सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें तीन किस्म की सपोर्ट्स होती हैं एक आपकी आगे सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन सपोर्ट अब वन थिंग यू आर डूइंग ग्रेट लाइक यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू योर ऑडियंस इंफॉर्मेशन का ना होना आपको पता ही नहीं है जब कि चीज़ क्या है साइन सिम्टम्स क्या है कौन अवेयरनेस ही नहीं है तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई क्या करोगे और हेल्प क्या लोगे सेकेंड चीज़ जो है इमोशनल सपोर्ट यू ना आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिस जो आपको बात को सुने जैसे आपने कहा कि सब करते हैं सब गो थ्रू होते हैं मैंने क्या बड़ी बात है हाँ क्या बड़ी बात है हमारी माओ ने ऐसे किया दादियों ने ऐसे किया तो ये कौन सी नई चीज़ है जो हमारी बीवी you know guzar rahi hai usse she's not the only one yes maa sirf yahi nahi bani sab bante exactly so you hear those things in the society so emotional support is very big and the third thing is which we call like instrumental support matlab hai resources you know finance ho aapke paas ki aap kisi clinic ja sake ya aapke paas source ho jane ka jo materialistic cheeze hain you know facilities unka hona zaruri hai पर कुछ लेडीज़ के पास वो नहीं होती कुछ लेडीज़ ये कहने में भी हेजिटेट करती हैं और अंदर ही अंदर दे टेकिंग इट टू देयर ओन हेल्थ बिल्कुल तो ऐसी लेडीज़ कैसे अपने आप को हेल्प कर सकती हैव टू स्पीक आउट क्या करें वो किस कोई फ्रेंड्स के साथ बात करें जिन्हें रिसोर्सेज ही नहीं है आई थिंक दैट ब्रिंग्स टू माई थर्ड पॉइंट जो तीसरा बिग फैक्टर है वो है परसीव सोशल सपोर्ट ओके अब जैसे हमने कहा कि सारा इतना कुछ हो रहा है पर वो किसी से बात नहीं कर पाते अब आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर में यहाँ ऐसे है कि ये नहीं है कि लोगों की कमी है आपके इर्द-गिर्द बास लोग सही लोगों की कमी हाँ दैट्स अ मेन थिंग लाइक अक्सर औरतें हैं उनके सास ससुर नान यू नो दे कॉल जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे बहुत सारे लोग हैं लेकिन उस औरत की नजर में उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है शी इज ऑल बाय हरसेल्फ एग्जैक्टली सो जो परसीव सोशल आइसोलेशन व्हिच मींस लाइक व्हिच इज बिग थिंग आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिस्कशन इन द पेरिनेटल डिसऑर्डर्स कि जो आप कहते हैं कि जी सपोर्ट तो काफ़ी है लेकिन आपको ये पूछे कि वो उस औरत से पूछे कि उसको लगता है कि सपोर्ट है कि नहीं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू आस्क हर शी फील्स लाइक एक्चुअली इट्स मोर बर्डन फॉर मी rather than support ki un mehmandari bhi karo wo bhi karo sach mein mujhe chhod do apne upar main khud hi behtar hungi true so it's very important and social isolation is one of the killer I think in
Qatar especially. It's on my top, it's on the top of the list in terms of the stresses. Kyunki yahan pe aurte hain gharon mein band, na koi inke dost saheliyan hain, kisi na koi rishtedar hain, especially jo newbies hoti hain, newbies hain aur paas jo hai jinka itna zyada social interaction nahi hai. Hamara yahan pe bahut zyada mazdoor tabka bhi hai, is tarah ke bhi log hain jinki badi conservative kism ki family setup hai, to wo apni auraton ko bahar jaane nahi dete. So they all they are stuck is in their house bachchon ke sath, aur phir bachche bhi mashallah, I mean they have multiple children, so it's a, and they don't have any extra help. Exactly. So it's best if the woman, if they have some problem, best way is to talk about it. Yes. And ideal is to get the right help, mm-hmm. specialist help. Okay. Okay, in case of depression and anxiety, tell me what are the treatments available? Kis tarah ki medication pe hoti hain ladies? And maine suna hai ki ye jo medication hoti hai, these are affecting you, aapke future mein bada effect hota hai aapko in medication ka. Is it true? Okay, so when we talk about treatment, mm-hmm. and I think sometimes people jump straight away on medication. Jab hum treatment baat karte hain, bahut sare log jab aap specialist ko dekhte hain, to sabse pehla jo treatment hai wo hai psychoeducation. Yani ki malumat dena, baat karna, sunna, aur kafi sare log jo hote hain, jo mild cases hote hain, it helps them hugely. And then first line, jo aapka pehla treatment hai, wo psychological treatment hai, yani ke talking therapies. Mm-hmm. And there are wide range of talking therapies hai. And we got very specialist psychologists in Qatar, jo perinatal service Sidra mein hai, they got really good psychologists. Hamad mein bhi hai, Al-Heli mein bhi psychologists hai, aur bhi private sector mein psychologists hai. So jo pehla treatment jo hai, aap hamesha jo hote hain, aap try karte hain least restrictive, or you want to try less like medication, or is tarah ki aapki approach hoti hai. To aapne pehle usko brief kiya, educate kiya patient ko, husbands ko educate kiya, which is big thing. Phir uske baad agar we think ke into psychological intervention se help hogi, we go with that. And agar symptoms zyada hain, क्योंकि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए ज़रूरी है कि बंदा माइंडसेट ऐसा आपका हो कि आप वो इन्फॉर्मेशन ले सके, उसको प्रोसेस कर सके और फिर उसको अमल कर सके, ठीक है. तो अगर हमें ऐसा लगता है कि दे आर अनएबल टू डू दैट बिकॉज द सिम्टम्स इतने सवियर हैं, तो फिर हम मेडिकेशन पे आते हैं. अब मेडिकेशन में अक्सर लोग ये वरी करते हैं कि एक तो इम्पैक्ट ऑफ मेडिकेशन ऑन द बेबी, दूसरा वो ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, तीसरा लोग वरी करते हैं कि ये शायद एडिक्टिव होना हो जाए इन मेडिकेशन के, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. अब जैसा कि मैंने कहा कि पेरिनेटल साइकाइट्री इज अ स्पेशलिटी, जब स्पेशलिटी है तो जो इसके अंदर जो लोग काम करते हैं, वी विल नॉट प्रिस्क्राइब किसी को ऐसी मेडिकेशन जिसका इम्पेक्ट बेबी के ऊपर हो, और या माँ के ऊपर हो ऐसा. आई मीन ज़ाहिर बात है कि हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता है, सो इट्स नॉट देन अ टोटली रिस्क फ्री, बट द रिस्क इज वेरी 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 लो कंपेयर टू द रिस्क ऑफ नॉट हैविंग अ ट्रीटमेंट. क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, दे कैन गेट सो डिप्रेस, दे कैन ईदर हार्म देमसेल्व्स, और दे कैन इवन हार्म द बेबी. सो हमको फ़ायदा और नुकसान मैयर करना होता है, और फिर हम जो ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट करते हैं. दे आर डेफिनेटली एंटी डिप्रेसेंट्स अवेलेबल विच आर सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग. डॉक्टर सैयदा, टॉकिंग अबाउट ओवरऑल डिप्रेशन एंड एंजाइटी इश्यूज, आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिप्रेशन विच इज़ फॉर श्योर, एंड आई टुक मेडिकेशन विच वॉज बीन प्रिस्क्राइब बाय साइकियाट्रिस्ट, बट आई थिंक नथिंग इज बीन इम्प्रूव्ड, द कंडीशन इज स्टिल द सेम. ओके, अगेन इट्स कम्स बैक टू I think there's a lot going on in her life. Yes. And she's obviously struggling, mm-hmm. For sure. And it's also very important if sometimes people come and they take one medication, it doesn't work. Mm-hmm. They don't have follow-ups, because we don't start medication at the highest dose. So you titrate it up. So it's very important to keep the follow-ups review for your mental health with your doctor. So I suggest that
she should, I don't know whether she has done it, gone back to the doctor and tell the doctor it's not helping. Either they can increase the medication or they can look into other options of medication, because we all are different. Mm-hmm. Sometimes some medication works, sometimes some other medication don't work for us. And then having said that, as I said, it's very important to assess what actually is happening. Mm-hmm. There's some definitely relationship concerns. If those are not going to be sorted out, perhaps some relationship counseling is important, if it's appropriate. She might need some psychological help, some kind of coping strategies, mm-hmm. so that she can look into, if her husband's not willing for relationship work, maybe how she can do things differently. Rather than ruminating and worrying about the same things and not dealing in a healthy way, mm-hmm. How she can do things differently, which is not going to impact on her. So I suggest, I think a thorough assessment and a good treatment will really help her. So, okay, doctor, let's start with the googly. Okay. Thing. Okay, my first question is, what do you notice in a person when you first meet them? Personality. Okay. Yeah. Okay. Life mein sabse zyada kya cheez important samajhti hai? Is it love? Is it money? Or is it fame? Or your career? My kids. Your kids. Okay. Your family. Mein. Yes. Family. Okay. I think my parents, my sibling, I think that's the most important. Okay. And yeah. If you would not have been a doctor, kya hoti hai aapko? I would have been, I think, a fashion designer or interior designer or that sort of. You do have interest in these things. I have a very much interest in the interior side or in the more creative side. Your favorite hangout spots in Qatar? Bahut zyada jahan family ke saath jaate hain aap. I know it's been very short while you're in Qatar, but still. To be honest, it comes down to the kids. Mm-hmm. They become the priority. So it's more about where they want to go. So it's mostly come down to, if the eating out places. Wagamama or P.F. Chang's. Okay. So we go there quite often. Tell me about your most favorite personality or inspiration in life. Jisko dekh ke aap kehte hain, yaar, ye cheez mujhe bhi karni hai, like ideal personality. If I talk about currently, mm-hmm. The people who inspire me in my life, my mom comes from the top. Mm-hmm. I learn a lot from my mom, and I think if we talk about the current leaders, I think there's no other way than Imran Khan. I'm sorry, if anyone. I think it's a vision. It gives us a hope. Yes. Living my 18 years abroad in a foreign country, I think the first time I feel proud. Yes. I can keep my health head high, and I can say I'm Pakistani, and I'm proud to be Pakistani, but I can say more proudly that our leader is Imran Khan, because I know the way he represents us is definitely amazing. I'm sure I think masses will relate with you on this, including me. Definitely he's one of the most ideal personality. Like, according to you, a definition of a successful woman in today's world? A woman who is successful, I think, is a woman who can take her profession, mm-hmm. her house, and everybody around related to it together. Mm-hmm. So I think that could be you, me, or anyone else. Everything. What do you love the most about living in Qatar? It's easy life. Mm-hmm. You just mind your own business, and you have time to yourself, and you can go and do things, you can travel easily out, so lots of holidays and things. And where do you see Qatar in next coming 5 years? I think it's gone far, like in the past, obviously decades or so, and I think it's gonna achieve amazing. I've been to other Middle East countries as well. Mm-hmm. And I think the main important thing is not about its infrastructure. I think it's the vision of Qatar, which is important in terms of education. I think Sheikh Amoza, her vision, education great. City is amazing. Mm-hmm. Have opportunity to deal with students from Cornell Medical College. We deal with, and it's amazing that in Qatar that facility exists. Mm-hmm. And I think that is far ahead than any other Middle East country. Mm-hmm. And I think that will make Qatar stand out in this region. Definitely.
very well said. Dr. Syeda, it was completely an honor for us to have you here today. And thank you so much for your precious time, because I know you're a busy mother. Thank you so much. Thank you for having me, and it's just been an honor to be here. And you're doing a great job. I think we need all that awareness programs, and I think it's amazing thing you guys are doing. Thank you so much. Just doing my part in the society here. That's what it needs. Thank you. Thank you.